ओम महागणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाज एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। मैं चर्चा कर रहा था कि 29 मई से 4 जून तक विभिन्न राशियों का राशिफल इस सप्ताह का कैसा रहेगा, तो चर्चा करते करते मैं अब स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पे आ गया। तो वृश्चिक राशि की बात करूँ उससे पहले आपसे निवेदन कर लूँ कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करें। और जाते जाते कमेंट में माँ गणेश आय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। तो मित्रों मैं बताऊं कि ग्रह गोचर में कोई चेंज नहीं है, केवल एक चेंज है कि शुक्र 30 मई को या मिथुन राशि से या मंगल के पास कर्क राशि में आ जाएंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं है। 29 मई से मैं ले रहा हूँ सप्ताह, तो 30 मई को शुक्र ही आएंगे, उसके पहले शुक्र ही रहेंगे 29 मई को। तो ये ग्रह गोचर में चेंज है केवल, बाकी सब अपनी जगह फिक्स है। तो मैं देखता हूँ कि अब देखिए कौन सा ग्रह कहाँ बैठ कर कैसा लाभ देगा वृश्चिक राशि को। देखिए सप्ताह के प्रारंभ में, चूँकि ये सप्ताह का राशिफल चंद्रमा से आधारित होता है, तो चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा सप्ताह शुरू होते हैं 29 तारीख को, 29 मई को चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में होगा, 31 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ जाएगा और 3 जून को चंद्रमा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में आएगा। तो ये जो चंद्रमा की गति आ रही, चंद्रमा यहाँ से यहाँ आएगी, लास्ट में लग्न में आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में लाभ भावन बहुत अच्छा। तो देखिए 30 मई को जो शुक्र जो है, मैंने बताया कि आपको शुक्र यहाँ से निकल के मंगल के पास भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य वर्धन करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के धन भाव के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र का स्थित भाग्य भाव में आ गए, धन के स्वामी। यहाँ तो वैसे नवी राशि है तो बृहस्पति स्वामी है और बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बृहस्पति इसको देख रहे हैं, लेकिन वैसे धन के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। और शुक्र की राशियाँ देखो, 2 नंबर की राशि यहाँ है, 7 नंबर की राशि यहाँ विदेश भाव में है, और शुक्र जो है खुद भाग्य भाव में बैठे हुए मंगल के साथ, तो भाग्य वर्धन तो शुक्र करेंगे ही करेंगे भाई, भाग्य बहुत बढ़ जाएगा, धन का लाभ बढ़ाएगा। थर्ड हाउस में देखे शुक्र की राशि पड़ रही है, यहाँ से शुक्र जो है थर्ड हाउस को देख रहे हैं, जहाँ शनि की अपनी राशि है तो थर्ड हाउस में शुक्र को देखना, कहीं जातक को परिश्रम बहुत कराएंगे, परिश्रम जितना करेगा जातक उतना ही लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, यहाँ से बड़ी दूरी यात्रा हो सकती है, छोटी यात्रा हो सकती है, सब लाभकारी होगी। विदेशी यात्रा हो सकती है, क्यों विदेश भाव में बारे में हम तुला राशि है शुक्र की और शुक्र यहाँ भाग्य में बैठे हुए हैं, तो भाग्य बढ़ेगा विदेशी यात्राओं से, भाग्य बढ़ेगा, विदेश जाएंगे विदेश में सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, तो शुक्र की वजह से लाभ आएगा, पैसा आएगा, तो लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा। और थर्ड हाउस में मैंने जैसे बताया शुक्र की दृष्टि पड़ने से बहुत यात्रा होंगी, लाभ मिलेगा। और देखिए सिक्स में जो है, सिक्स हाउस में बुध बैठे हुए हैं और बुध की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा होंगी करती तारीख को, बुध की चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, विदेश से लाभ दिला रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, विदेश से लाभ दिला रहे हैं, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, बीमारी भाग जाएगी, ऋण चुक जाएगा, शत्रु मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी, कोई केस नहीं हारेंगे, खुद केस चला जीत जाएंगे। तो व्यवसाय में तरक्की होगी, शुक्र जो है बहुत अच्छे, ये शुक्र की राशि यहाँ पर है, व्यवसाय में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी। दशम में सूर्य की राशि है, सूर्य यहाँ बैठे हैं सप्तम में, सप्तम में व्यवसाय में फायदा होगा, व्यापार में फायदा होगा, नौकरी में तरक्की होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रमोशन मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिल रही है सूर्य की राशि होने से भाई, और सूर्य सप्तम में बैठे हुए हैं तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा तेजी तो आएगी, जरा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, तेज मत बोलिएगा, वरना तेज बोलेंगे तो सूर्य की वजह से थोड़ा गर्मी आ जाएगी, फिर झगड़ा हो जाएगा। क्रोध पर कंट्रोल रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, तो बहुत बढ़िया लाभ ही लाभ है, क्यों शुक्र की राशि है यहाँ पर और शुक्र तो जाते हैं वीनस प्रेम के देवी कराती है। मंगल और शुक्र का सप्ताह के अंत में चंद्रमा की मंगल की राशि लग्न में आना बहुत सुखद है,
यात्रा होंगी इस पर और देखिए लाभ मिलेगा खूब। विदेशी यात्रा हो सकती है क्योंकि शुक्र की यह राशि है और शुक्र यहाँ बैठे हुए। लंबी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, व्यापारी यात्रा है, सब तरह की यात्रा हो सकती है और यात्रा लाभ मिलेगी। 31 तारीख को चंद्रमा आएंगे तो समझ लीजिए विदेश व्यापार नौकरी से लाभ होगा। बृहस्पति भी अपनी राशि में पांचवें, देखिए यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं अपनी राशि में और ये बृहस्पति की राशि है तो कोई आपका प्रेम प्रसंग है तो उसमें सफलता मिलेगी। बृहस्पति यहाँ बैठे हुए बृहस्पति की दूसरी राशि यहाँ बैठी है, धन भाव है तो धन भी आएगा। लेकिन चूंकि बृहस्पति थोड़ा पीड़ित है राहु से इसलिए कब आएगा, लेकिन धन तो आएगा आएगा, लाभ भी मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी और प्रेम थोड़ा अच्छा वातावरण रहेगा। चंद्रमा के लग्न आने से 3 सप्ताह के अंत में बहुत बढ़िया हो जाएगा परिवार का संबंध, कुटुंबों का संबंध, संबंधी जो परिवार के सीनियर्स लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे, अच्छा वातावरण रहेगा, कोई झगड़ा नहीं। कोई बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की दृष्टि होगी, धन भी आएगा। बृहस्पति धन तो देंगे देंगे, धनु राशि अपनी राशि है और कोई तनाव नहीं, कोई मेंटल डिस्कशन नहीं आपस में, कोई मन मुटाव नहीं, परिवार में अच्छा संबंध रहेगा। और अच्छा चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं आपको और लाभ मिले, वैसे तो अच्छा लाभ मिल रहा है। शनि भी देखिए, शनि यहाँ बैठे हुए चौथे भाव में सुख भाव में और उच्च के होकर के, और शनि यहाँ से कर्म स्थान को भी देख रहे हैं और सूर्य की राशि है तो कर्म स्थान में तरक्की मिल रही है और सुख साधनों में तरक्की मिल रही है। बृहस्पति धन भाव में धन दे रहे हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए फायदा तो है सब कुछ, बीमारी भी जा रही है, ऋण भी चुक रहा है आपका। और यहाँ से बृहस्पति पंचम में भी लाभ दे रहे हैं, शिक्षा में लाभ दे रहे हैं, संतान को लाभ दे रहे हैं, प्रेम प्रसंगों में लाभ दे रहे हैं तो सभी अच्छा आ गए। भाग्य भाव शुक्र मंगल का दोनों का बैठना और मंगल का नीचे भंग होना बृहस्पति के द्वारा बहुत भाग्य बढ़ा करेगा, भाग्य बढ़ेगा तो पैसा आएगा। और सूर्य की राशि यहाँ बैठी हुई है, सूर्य यहाँ सप्तम में बड़े अच्छे बैठे हुए हैं तो धन धान्य नौकरी में तरक्की होगी, सरकारी कामों में तरक्की होगी, सरकारी नौकरी में तरक्की होगी। तो इस तरह से भाई वृश्चिक राशि वालों को भी ये सप्ताह अच्छा दिखेगा। मित्रों नमस्कार।